नमो ब्रह्म
ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्गीताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तुम माता सर्वदेवानां तुम च यज्ञस्य कारणम् तुम तीर्थं सर्वतीर्थानां नमस्ते गाओ मम कृतः सन्तु गाओ मे सन्तु पृष्ठतः गाओ मे हृदयं नित्यं देव मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् वाणे गानकगणे श्रवणो कथायां हस्तौ कर्म मनसतो नित्यां विरचितां निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शने भवतनूनां वागर्तापि संवृत्तौ वागर्तापि कृत्वे जगदर्पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ शान्ताकारं भुजक्षयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुमांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिवरदानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं श्रीविष्णवे नमः श्रीविष्णवे नमः श्रीविष्णवे नमः। तो श्रीमद् भागवत महापुराण जो हर तरह के कलिमल को नाश करने वाली है, केवल कथा श्रवण मात्र से ही हम संसार के समस्त दुखों का उन्मूलन कर सकते हैं। उसके सुनने की योग्यता क्या होनी चाहिए, उसके लिए मन चित्त और बुद्धि यह ठीक ठीक से इस पंडाल में आ जाए और अब घर में मन न लगे और कहीं अन्य मन न लगे, उसके लिए हम लोगों ने अभी जो गौ माता की वंदना की, सुरभि माने गौ माता, ये सुरभि मंत्र है। सुरभि मंत्र हमारे बीच में, क्योंकि जैसे माँ हमारी रहती है लेकिन हमको पता नहीं रहता कि ये कितना मेहनत कर रही है हमारे लिए, और हम उसकी मेहनत को इग्नोर कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन उसका कपड़ा इस वज्र ठंडक में गीला भले हो जाए, बच्चे को कहीं से किसी भी तरह से उसका कपड़ा में गीला हो जाए वो तुरंत अपने आंचल में ले लेती है और कपड़ा बदल देती है। वैसे ही ये मेरी गैया मैया, एक लाख मंत्र इस सुरभि मंत्र का आप जप कर लीजिए, यह सिद्ध हो जाएगा। और इस व्यासपीठ से दावे के साथ कह रहे हैं कि अगर जो विधि शास्त्रवत है उस शास्त्र के विधि से आप इस मंत्र का जब कर लेते हैं तो कोई ऐसी अभिलाषा नहीं है इस संसार की, धर्म अर्थ काम मोक्ष इनों में, जो आपको प्राप्त न हो सके। जो लोग भी प्रयोग करना चाहते हैं वो संकल्प लेकर के सुरभि मंत्र का एक लाख मंत्रों का जप कर ले और धर्म अर्थ काम मोक्ष तीनों जो साधन है इस पृथ्वी पर प्राप्त करने के लिए, जो यहाँ पर जगत में आने का जो जीव का मतलब है, वह सब आपको प्राप्त हो जाएगा। हम लोग भागवत कथा में आज प्रवेश करें, मन चित्त बुद्धि को शुद्ध करें, कथा के योग्य बने, उसके लिए हम लोग हरे नाम कृष्ण का एक बार फिर संकीर्तन करेंगे। सब लोग जोर जोर बोलेंगे, जो नहीं बोलेगा उसका क्या होगा, उसका वाला जो पाप है वह बोलने वाले का भी पाप उसको पड़ेगा।
इसलिए सब लोग तेज तेज पूरे हृदय से और पूरे मुक्त कंठ से बोलेंगे, क्योंकि जब यहाँ पर मन से और शरीर से हम आए हैं तो कम से कम उतनी देर तक तो नारायण का ध्यान कर लें। कल मैंने आप लोगों को बताया कि कथा में धुंधकारी के लिए विमान इसलिए आया क्योंकि वो मन चित्त बुद्धि से कथा को सुन रहा था, चिंतन कर रहा था, कथा के ऊपर चिंतन कर रहा था। बाकी हम शरीर से यहाँ बैठे हैं लेकिन भगवान में कृष्ण के चिंतन में हमारा मन नहीं लगा है तो कोई फायदा नहीं है। शरीर को मत तकलीफ दीजिए और समय मत गवाइए, जहाँ दिमाग लगता हो वहाँ जाइए। तो आइए हरे कृष्ण नाम का हम लोग सब लोग मिलकर के संकीर्तन करते हैं। एक बार पूरा मंत्र हम बोलेंगे, उसके बाद में हमारी जो बहुत अच्छी संगीत की टीम है जो इतना बढ़िया भजन आप लोगों को सुना रहे हैं, श्री भोला जी हमारे साथ, सिंह साहब तबला पर बहुत बढ़िया ये संगत आपको कर रहे हैं, अरविंद जी और दीपक विजय जी, बार बार दीपक ही आता है तो विजय जी हैं, ये कितना बढ़िया मधुर स्वर आप लोगों को सुना रहे हैं। कल जब मैं कथा से उठ करके नीचे बैठा था तो लोगों ने इनकी बहुत तारीफ किया कि आपके महाराज संगीत की टीम बहुत सदी हुई है। हमने कहा ये लोग बहुत बड़े साधक हैं, साधना से ही ये चीजें सद पाती हैं, सबके बस का है नहीं, क्योंकि भगवान जो है संगीत के माध्यम से सबसे पहले संतुष्ट हो जाते हैं। अगर भगवत प्राप्ति आपको करनी है तो आप गीत और संगीत के माध्यम से जब आप उनको बुलाते हैं तो सबसे पहले आ जाते हैं। मीरा सिर्फ गीत ही गाती रहती है और देखिए कि भगवान को उसने पा लिया। तो आइए हरे कृष्ण नाम के का संकीर्तन करते हुए हम लोग श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह में आज दूसरे दिन में प्रवेश करते हैं। मैं पूरा मंत्र एक बार पूरा बोलूंगा, भोला जी और अरविंद जी बाद में पीछे से गुनगुनाएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंत्र जो है वह हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंत्र यही था और यह वेद मंत्र था, लेकिन कलिकाल में वेद मंत्र को पढ़ने के लिए शुद्धता और शुचिता की बहुत आवश्यकता है और माया मोह के इस संसार में जब हम शुद्ध होंगे तब हम भगवान का स्मरण करेंगे तो न शुद्ध होंगे न चिंता से मुक्त होंगे न स्मरण हो पाएगा। तो इसको देखते हुए कुछ ऐसा करने के लिए ऋषियों महर्षियों ने सोचा कि क्या किया जाए कलयुग में, क्योंकि कलयुग में नाम ही बड़ा आश्रय है, तो क्या ऐसा किया जाए कि कलयुग में सिर्फ नाम मात्र लेने से लोगों का कल्याण हो जाए। तो कृष्ण का नाम पहले जोड़ देने से यह वेद मंत्र की जगह पर महामंत्र हो गया और आज सबसे ज्यादा प्रचारित और प्रचलित है। कहते लोग पहले भी थे लेकिन आज उसका प्रचार प्रसार बहुत तेजी से हो गया है, क्योंकि हर व्यक्ति शॉर्टेस्ट रूट ढूंढता है, सबसे संक्षिप्त रास्ता ढूंढता है कि भगवान की भी उपासना का शॉर्टेस्ट रूट क्या है। हम चलते समय, उठते समय, बैठते समय, रोटी बनाते समय, खाना बनाते समय, दाल में तड़का लगाते समय भी कैसे भगवान का भजन कर सकते हैं, यह कौन सा रास्ता हो सकता है, तो वह है कृष्ण महामंत्र, कृष्ण नाम महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कहते हुए जब बेलन चलेगा तब वह हर रोटी भगवान को समर्पित हो जाएगी और उसके बाद जब उसको घर के सदस्य खाएंगे तो सबकी बुद्धि, सबका चित्त, सबका मन और सबका आचरण निश्चित हो जाएगा और सब बहुत स्नेह प्रेम और व्यवहार से रहेंगे।
भोजन जब भी बनाइए प्रसन्न मन से बनाइए, ठेलम ठेला नहीं होना चाहिए, अरे तुम मना लो अरे तुम मना लो, क्योंकि वो भोजन मात्र नहीं है, वो प्रसाद है। और जब उसको बना करके और परमात्मा को आप समर्पित कर देते हैं तो दीयम वस्तु गोविंदम, हे परमात्मा जो आपने दिया यह आपको है तो दीयम, तुमने जो दिया वो मैं आपको ही दे रही हूँ। दीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय, आपको समर्पित है तो दीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय। ग्रहणाम सम्मुखो भूत्वा प्रियताम परमेश्वर, हे परमात्मा इसको प्रेम पूर्वक आप ग्रहण कर लीजिए और उसके बाद ये जो उच्छिष्ट बचेगा जो जूठन बचेगी आपकी उसको मैं प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहता हूँ, यह प्रार्थना प्रतिदिन करनी है। तो आप देखिए शुगर डायबिटीज से लेकर के जितने भी आपकी बीमारियां हैं सब नियंत्रित हो जाएंगी अपने आप, क्यों? क्योंकि आप भोजन नहीं खा रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं? आप प्रसाद खा रहे हैं। और परिवार में यह संस्कृत लाने की कोशिश करिए, आइए चलिए प्रसाद पाइए। जब कभी भी आप लोग गुरु घराने में तीर्थों में और आश्रमों में जाती है वहां होता है ना प्रसाद पा लीजिए, तो हमारा घर भी तो महातीर्थ है, गृहस्थ से बड़ा धर्म कौन सा है, कोई नहीं सबकी चिंता करता है, तो हमें यहाँ भी वही आचरण करना है जो हमारे गुरु महाराज के आश्रमों में होता है, जो हमारे तीर्थों में होता है, वह रोज के अभ्यास में हमको करना है कि आइए प्रसाद पाते हैं, आइए खाना खा लो, ये नहीं प्रसाद पाइए। तो प्रसाद पाइए जब भी आप कहेंगे तो परमात्मा का ध्यान हो जाएगा, परमात्मा का ध्यान जब हो जाएगा तो प्रसाद अमृत हो जाएगा, हर तरह के रोग शोक से आपको निवृत्त कर देगा, आप उससे छूट जाएंगे। आप देखिए कि अगर मन से जो भोजन नहीं बनता है, बहुत महंगा महंगा पैसा देकर के लोग जाते हैं होटलों में खाना खाते हैं, तत्कालिक संतुष्टि एक क्षण मात्र की जिह्वा की संतुष्टि है, बाद में लगता है कितना गठरी जैसा रखा हुआ है, पचा नहीं कल बाहर चले गए थे अभी मन नहीं है। तो जो सुपाच्य नहीं है, जो आराम से जठराग्नि पचा नहीं सकती है, ऐसा काम क्यों करना है, ऐसा काम नहीं करना है। और वह करना वहां पे भी क्या है, बेटर बेचारा जो है इस ठंडी के दिन में टॉयलेट जाने के बाद आकर के हाथ धोया है कि नहीं धोया, कौन हाथ धोए ठंडक में, और ले आकर के आपको परोसा, आप बड़े दिव्यता से उसको ले रहे हैं, परमात्मा को आप चढ़ा नहीं सकते हैं क्योंकि लहसुन प्याज युक्त है, तो आप क्या खा रहे हैं? श्रीमद् भगवद गीता कहती है कि ये पचेत आत्म कारणा, जो अपने सिर्फ अपने भर के लिए भोजन बनाता है वह क्या करता है, वह पाप खाता है। तो जब भी आप भोजन घर में बनाए तो एक ग्रास गौ माता के लिए और दूसरा ग्रास जो सबसे ज्यादा आपको वफादार है वो है डीओजी साहब साहब गुप्ता जी महाराज, किसी की भी कुंडली में केतु चाहे जितना खराब हो आप कुत्ते को रोटी निकालिए आपका केतु ग्रह सही हो जाए। और शुक्र अगर आपका बहुत खराब हो, ये तो कल मैंने बताया था कि सर्वदेवमयी गौ मैया के अधीन सब लोग हैं, लेकिन विशेष करके शुक्र जो आपको इस संसार में भोग विलास की संपूर्ण चीजें देता है, अगर वो किसी तरह से खराब है तो गैया मैया को चितारा अवश्य दीजिए और उनको ग्रास दीजिए, आप देखिए कि क्या एकदम आपको ठाट आपके घर में आ जाता है। तो इन समस्त चीजों का ध्यान रखते हुए हमको ये करना है कि हमें कृष्ण मंत्र जो है सदैव गुनगुनाते रहना है, इतनी भूमिका के पीछे बात यह है कि हमें कृष्ण मंत्र गुनगुनाते रहना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोमुखी है तो ठीक है, नहीं है तो मानसिक जप होता रहेगा, कोई बात नहीं, कोई गिनने की जरूरत नहीं है कि हमने एक माला किया कि दो माला किया कि 16 माला किया कि 32 माला किया, कोई नहीं, जब मौका मिला तब कर रहे हैं, हम आप ही को ध्यान कर रहे हैं। और रात्रि जब हो जाए दिन भर के बाद तो रात्रि में क्या करना है, जब सबकी सेवा करके आपको विश्राम करना है तो मुंह धोने के बाद जब भी आप इस तरह पर सोइए तो आप हरे कृष्ण मंत्र का जप करिए या जो गुरु जी ने बताया है,
जो लोग दीक्षित हो चुके हैं उनके लिए यह नहीं है कि आप अपने गुरु का दिया हुआ मंत्र छोड़ दीजिए, आपके लिए वही कृष्ण महामंत्र है। आप उसका ध्यान करते हुए और सोइए कि हे परमात्मा, इस श्वास का जो आपने दिया है उसकी काउंटिंग निश्चित है, कितनी बार सांस जीवन में लेना है यह निश्चित है। यह न समझिए कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, चाहे जितना बार भरें और चाहे जितना बार निकालें, ये निश्चित है। तो हर सांस परमात्मा क्या है, आपके नाम की है। और जब तक हम चेतन अवस्था में हैं, जब तक हम जागृत अवस्था में हैं, जब तक हम ध्यान में हैं, जब तक हम आपका स्मरण कर पा रहे हैं, तब तक तो यह हर सांस आपको निवेदित है और जीवा से हम आपका नाम ले रहे हैं। लेकिन जब हम सो जाए, जब हम अचेतन अवस्था में हो जाए, जब हमें ध्यान न रहे कि परमात्मा मेरी तंद्रा और निद्रा मुझे आ गई है, तो ऐसी परिस्थिति में मेरी जो सांस चले ऐसा मैं संकल्प आपसे लेता हूं कि वह हर सांस कृष्ण महामंत्र के साथ हो। तब जब वह निद्रा आप सोते हैं तो वही निद्रा आपकी योग निद्रा बन जाती है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जब हम शयन करते हैं तो भी वह सामान्य नींद नहीं है, वह योग निद्रा हो जाती है और हम भगवान के ध्यान में ही सो जाते हैं। एक बार बोलो जय श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बहुत ही परम सौभाग्य की बात है, मंजू जी और उनके परिवार के लोगों के बहुत पुण्य इकट्ठा होने के पश्चात हम लोग आज यहाँ श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए आए हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं। और बहुत ही पुण्य, जैसा मैंने कल बताया कि बहुत पुण्य इकट्ठा होता है तभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। आज भगवान के 24 अवतारों का वर्णन कथा के माध्यम से करने का प्रयास करेंगे और माता कुंती जब युद्ध के बाद पांडवों को छोड़कर के भगवान कृष्ण द्वारिका धाम को जाते हैं, उस समय कुंती माता को क्या शोक होता है। व्यास जी को 17 पुराणों की रचना करने के बाद मन में जो पीड़ा है उसकी बात करते हैं और इस गैया मैया की बात करते हैं कि कैसे भगवान नारद गौ की सेवा करके नारायण के पार्षद बन गए, नारायण के सेवक हो गए। बार बार यही कहते हैं कि कृष्ण जो है वो गौ के पीछे दौड़ते हैं, नंगे पांव दौड़ते हैं और हम गौ को लाठी मारते हैं तो कृष्ण कुछ नहीं होंगे। फिर आप कहते हैं कि शायद पंडित जी बहुत विधान से पूजा करते हैं, धूप दीप अगरबत्ती और सारी चीजें और मंदिर आप चलकर मेरा देख लीजिए, इतना बढ़िया इतना ढंग से मैंने सजाया है और पूरे दिशा और सब सारी चीजों का मैंने बहुत ढंग से उसका ध्यान दिया है, फिर भी पता नहीं क्यों परमात्मा हमसे लगते हैं कृष्ण। हमें कृष्ण के लिए बहुत कुछ करना है यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि वो तो सर्वशक्तिमान है, वो तो सृष्टि के कारण है। हमें कृष्ण की करनी है, कृष्ण ने क्या किया है, कृष्ण ने क्या संदेश दिया है, कैसे बड़ों का आदर करना है, कैसे छोटों को स्नेह देना है, कैसे पृथ्वी पर आज 24 अवतार हैं जिसकी हम चर्चा करेंगे, उन्होंने कछुआ मछली सुअर से लेकर के किसी जीव को नहीं छोड़ा जिसके रूप में उन्होंने अवतार नहीं लिया। उसके पीछे क्या कारण है, केवल एकमात्र कारण, उनको मालूम था कि जो मनुष्य नाम की कृति मैं बना रहा हूं इसको बुद्धि भी साथ में ले रहा है
और ये अपने बुद्धि का प्रयोग कितना करेगा शायद उस समय भगवान ने भी अंदाजा नहीं लगाया था। इसलिए उन्होंने पहले ही समस्त छोटे से छोटे जीव से लेकर के और बड़े से बड़े जीव के रूप में अपने अवतार स्वयं लेकर के यह बताने की कोशिश किया है, यह बताने का प्रयास किया है कि कोई हमसे अलग नहीं है। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोग जुग पानी। यह संसार में जो भी जीव है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वह सब कुछ ईश्वर का अंश है, सब कुछ ईश्वर युक्त है। तो हमें भेद नहीं करना है, जीव को जीव में भेद नहीं करना है, सबको समभाव से देखना है, सबको प्रेम भाव से देखना है। और प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। जब आपका प्रेम बढ़ जाता है तो आपके मन के अंदर संतत्व आ जाता है, आप संत हो जाते हैं। फिर हमारे में आप में आश्रम में बैठे हुए संत में और आप में कोई फर्क नहीं रह जाता। ये भजन बोला जी भी आपको सुनाते हैं, उससे पहले एक छोटी सी घटना बताते हैं। एक महाराज जी थे और उनके शिष्य एक साथ गाड़ी में चले जा रहे थे और वो किसी एक अपने शिष्य की बात कर रहे थे। तो बोले महाराज जी तो बड़े खराब हैं। बोले नहीं नहीं ऐसी बात नहीं। बोले महाराज जी ये नहीं किया वो नहीं किया, इस बार गए उस बार गए और ऐसे आते कि वहां बड़ा बड़ी दिक्कत होती है, अभी उनका समझ में नहीं आता है। तो उन्होंने कहा कि देखो, गुरु जी ने कहा कि देखो तुमको अभी पता नहीं है, बाह्य आडंबर में हो सकता है भौतिक चीजें तुम्हें कुछ उपस्थित वो न कर पाए हैं, लेकिन तुम उनको जानते नहीं हो, बहुत संत हृदय। तो गुरु जब इस बात को मुहर लगा देता है कि आपका हृदय बहुत संत है, आपका मन बहुत संत है, आपके विचार बहुत संत हैं और आपकी जो स्थिति है वो संतों की है, तो फिर आपका मन सदैव परमात्मा के लिए हो जाता है। तैयार अनंत हो गया। भगवान की उत्पत्ति विश्व के उत्पत्ति के लिए भगवान समय समय पर अलग अलग रूप धारण करते हैं और अब तक हमारे पारब्रह्म परमेश्वर परमपिता परमात्मा ने 24 अवतारों का 24 अवतारों में हमारे आपके बीच में आ चुके हैं। भगवान कब कब अवतार लेते हैं, कब कब हमारे बीच में आते हैं, तो उसके लिए कहा गया है श्रीमद् भगवद गीता में, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान स्वयं कहते हैं कि जब जब पृथ्वी पर धर्म का पतन होता है, धर्म का हाश होता है, तब तब धर्म के उत्थान के लिए और संतों के हित के लिए, लोगों के हित के लिए, जीवों के कल्याण के लिए मैं स्वयं आता हूँ पृथ्वी पर। कल 25 था, हम सब लोग क्रिसमस संदेश का इस वर्तमान माध्यम से बहुत ज्यादा आदान प्रदान किए। बहुत कम लोगों ने ऐसा किया होगा कि श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ महोत्सव का जो संचालन कुमारपुरम में चल रहा है उसके भी कुछ व्हाट्सएप ग्रुप संदेश लोगों को प्रसारित कर दिए जाए ताकि लोग कथा में ज्यादा से ज्यादा आ सके, क्योंकि इतना महंगा पंडाल और ये सब इतनी सारी चीजें जो हैं वो इस भीड़ के लिए थोड़ी महंगी साबित हो रही हैं। थोड़े और लोग चाहिए, थोड़े और ज्यादा लोग आएंगे तब श्रीमती मंजू श्रीवास्तव को लगेगा कि हमने जो कथा में खर्च किया वो कुमारपुरम वाले उसका लाभ ले पाए, नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं है। और जिसकी
जिसका जिक्र हुआ, जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हुई, वो प्रभु यीशु की। और प्रभु यीशु मैसेंजर ऑफ गॉड हैं, उनके लोग खुद ही कहते हैं, वो गॉड नहीं है, वो कहते हैं कि मैसेंजर ऑफ गॉड है। तो मैसेंजर ऑफ गॉड जो है वो भगवान का दूत है, लेकिन अपनी भारतीय संस्कृति जो है यहाँ तो नारायण स्वयं चले आते हैं। लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित नो माया गुण गोपाल, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत पिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो यहाँ पर तो इस संस्कृति में स्वयं नारायण आते हैं और वो अलग अलग रूप में आते हैं पृथ्वी पर, हमको आपको सबको। जब हम कष्ट में होते हैं तब परमात्मा यहाँ पर अवतीर्ण होते हैं। ये जो गैया मैया का चित्र रखा है, यह आप लोगों को विशेष रूप से यह बताने के लिए रखा गया है कि आप सब लोग यह समझें कि गौ हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। जो इनके मैसेंजर ऑफ गॉड आए हैं वो शायद इन लोगों को पता है कि नहीं पता है, लेकिन आप लोग जान लीजिए कि गांव में जो गैया और भैंसिया को खिलाने के लिए चरनी बनती है ना, उसी पे ये भी पैदा हुए थे मैसेंजर ऑफ गॉड, गाय की चरनी पर। गौ से दूर नहीं हो सकते। पूजा का विधान अलग हो सकता है, हम आप भगवान को किसी भी रूप में प्रणाम कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं, वह हमारी आपकी सोच पर निर्भर है कि हमको कितना ज्ञान है, हम उतना उस तरीके से पूजा करते हैं। लेकिन प्रभु तो अल्टीमेटली एक ही है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि आप चाहे जिस भी रूप में हमारा ध्यान करें, वह आता मेरे पास ही है। चाहे वो गांव की सती माई हो, चाहे परम बाबा हो, और चाहे भूत प्रेत के माध्यम से भी अगर आप मेरा ध्यान करते हैं, मेरा पूजा करते हैं, तो भी वह आता मेरे पास ही है। अंतर एक ये होता है कि जब आप किसी माध्यम से आते हैं तो माध्यम भी समय लेता है ना। अगर हमें किसी को पकड़ना है मुख्यमंत्री को, और मेरी बात सीधे मुख्यमंत्री से हो तो वह ठीक है, कि उसके पीआरओ और उसके नीचे वाले लेवल से अगर हम कई लेवल पार करते हुए जाएंगे तो हमारा समय ज्यादा नष्ट होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप जिसको भी पूजते हो वह पूजा गलत नहीं है, क्योंकि भाव तो आपका पूजन का है, आप जो है परमात्मा को याद ही करते हो। ठीक है, आपकी बुद्धि इतनी है कि आप उसको उसी में परमात्मा मानते हो। और माताएं तो देखिए, इनका तो इतना दृढ़ विश्वास होता है कि गांव में जब भी शादी विवाह हो, शहरों में भी जब भी शादी विवाह हो, तो स्थान देवता की पूजा करना करते ही नहीं भूलती हैं। घर के बाहर जो भी कुछ ऐसी जगह होती है वहां जाकर के कुछ न कुछ अपना पूजा पाठ समर्पित करती हैं, अर्पित करती हैं। क्यों? क्योंकि उनका भाव है, उनको लगता है कि इन्हीं के माध्यम से हम जो भी कुछ हैं आज इन्हीं के माध्यम से। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पूजिए सबको, लेकिन आपको क्या करना है, पूजा सबकी करनी है, आता वो मेरे पास है। अगर आप सीधे मेरे पास आते हो तो आपका उत्थान जल्दी हो जाएगा, और अगर आप माध्यम से आते हो तो भी कोई बात नहीं है, आप आओ, थोड़ा समय लगेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कहने का अभिप्राय यह है कि जितना संभव हो सके भगवान के यथार्थ रूप को जानिए, और भगवान के यथार्थ रूप को जान करके सीधे परमात्मा से अपने आप को जोड़ने की कोशिश करिए। मेरा परमात्मा कैसा है? नमः सुनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्वाहवे सहस्रनाम्नाय पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि इवधारिणे नमः। एक बार बोलो विराट स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की जय। कैसे हैं? उसके सहस्त्रों सिर हैं, सहस्त्रों भुजाएं हैं, सहस्त्रों नेत्र हैं, सहस्त्रों पैर हैं, और सहस्त्रों इंद्रियां हैं। ऐसा विराट स्वरूप है भगवान। अर्जुन को जब मोह हो गया, महाभारत का युद्ध चल रहा था, दोनों तरफ से सेनाएं आमने सामने थी, और भगवान श्री कृष्ण
प्रयास कर चुके थे दोनों पक्षों में कि युद्ध न हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम अपने मन में जो पहले से आग्रह पाल रखे हैं, हमें लगता है कि अगर उससे हम पीछे हट जाएंगे तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। और यह पूरा युद्ध केवल इसी नाते हुआ कि उनको पांच गांव नहीं मिल रहा था। उसने कहा दुर्योधन ने कि हम सुई भर जमीन नहीं देंगे, पांच गांव की तो बात हुई। और बहुत समझाने बुझाने के बाद जब स्थिति नहीं बनी तो युद्ध की स्थिति आई। दोनों तरफ से सेनाएं आमने सामने हुई। अर्जुन ने कहा कि परमात्मा मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा किसके लिए, ये सब अपने ही तो है, इनको मार करके अगर मुझे कुछ मिला भी इस पृथ्वी पर तो उसे मैं लेके क्या करूंगा। आदमी किसके लिए कमाता धमाता है, परिवार के लिए, रिश्तेदार के लिए, नातेदार के लिए और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए। आप देखिए कि कितनी बड़ी सीख है कि हमें छोटी सी छोटी चीज के लिए अगर हमारा बड़ा से बड़ा नुकसान भी हो जा रहा है, लेकिन अगर किसी के जीवन मरण का सवाल है और मुझे मालूम है कि मुझे मेरे इस क्रियाकर्म से बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, नरसंहार हो जाएगा, बहुत स्थिति खराब हो जाएगी, तो अपने मन को मोड़ लेना चाहिए। अर्जुन ने अपना भ्रम भगवान के सामने रखा। भगवान कृष्ण ने कहा कि अब तो बात गड़बड़ा जाएगी, जैसे बार बार मैं श्रीवास्तव जी से कह रहा था चाची कहां है, संकल्प करा लीजिए, नहीं हो सकता है कथा का विधान गड़बड़ हो जाए। ये बोले चाची को अभी नहीं शारण में। हमने कहा ठीक है, देखिए पकड़े रहिएगा, नहीं तो ऐसा ना हो कि कथा न हो पाए, क्योंकि कथा का मन संकल्प तो मन में आ ही गया है। तो कई बार ऐसा होता है कि आदमी मन बनाकर तो उसके बाद पीछे चला जाता है। तो भगवान कृष्ण को लगा कि अब तो मेरा चेला गड़बड़ हो रहा है, इसकी स्थिति गड़बड़ है, ये माया मोह के परे हो रहा, माया मोह के वश में हो गया है, ये तो कह रहा है सब अपने लोग हैं, इनको मारने में क्या करूंगा। तब भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाया और भगवान ने बताया कि अर्जुन तुम कुछ नहीं हो और यहाँ कोई तुम्हारा कोई कुछ है नहीं। भगवान के मुंह से जो श्लोक निकला उसी को हम लोग चतुश्लोकी भागवत कहते हैं, जिसको नारद जी ने ब्रह्मा जी को सुनाया और ब्रह्मा जी ने उसकी व्याख्या किया और व्याख्या करते करते उसको ले गए 18,000 श्लोकों में। चार श्लोक को व्याख्या करते करते कितना ले गए, 18,000 श्लोक। और 18,000 श्लोक इस दो खंड के काव्य में इकट्ठा हो गए। व्यास जी बहुत परेशान थे 17 पुराणों की रचना करने के बाद। नारद जी ने जो चतुर्श्लोकी भागवत ब्रह्मा जी से सुनी थी उसको आकर के उन्होंने व्यास जी को सुनाया और कहा कि देखिए आपने जो 17 महापुराणों की, हरे कृष्ण, 17 महापुराणों की जो आपने रचना किया है, वो महापुराण बहुत क्लिष्ट है, वो सब वेदों से निकले हुए मंत्र हैं और 1,00,000 के लगभग मंत्र हैं और 1,00,000 में 80,000 तक तो जो है वो इतने कठिन मंत्र हैं कि वो सामान्य जीव कुछ उसका कर ही नहीं सकता। तो आप ऐसा कुछ करिए जिससे कलयुग में जो लोग पीड़ित हैं या आने वाले युगों में जब भी लोगों को समस्या आए तो वो परमात्मा के गुणों का गान करें। तब नारद जी ने चतुर्श्लोकी भागवत व्यास जी को सुनाया और उस चतुर्श्लोकी भागवत की
व्याख्या करते करते व्यास जी ने 18,000 श्लोकों की यह श्रीमद् भागवत की रचना कर दी। भगवान ने जब विराट स्वरूप अपना दिखाया था तब अर्जुन को उन्होंने बताया कि अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् यद् सत्सत् परम् पश्चात् हर्येदेतच्च यो वशिष्यति सोऽस्म्यहम्। ऋते अर्थ यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मने तद् विद्यारात्मनो मायां यथायाभासो यथात्मः। यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि यथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासां तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वेद्य एकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। मूल अर्थ इसका समझिए। भगवान कहते हैं कि अहमेवास्मेवाग्रे नान्येद् यद् सत्सत् परम् पश्चादहमेव तच्च यो वशिष्यति सोऽस्म्यहम्। इस संसार में अर्जुन जो कुछ भी तुमको दिखाई दे रहा है वह सब मेरे ही कारण से है। यो वशिष्यति सोऽस्म्यहम्, जो कुछ भी तुम्हें दिखाई दे रहा है वो सब मेरे कारण से है। और यह समझो कि इस संसार में कोई चीज अगर अकारण घटित होती है तो उसका कारण भी मैं ही हूं। अकारण का कारण मैं हूं, प्रकाश का कारण मैं हूं, अंधकार का कारण मैं हूं और अकारण का कारण मैं हूं। इसलिए तुम यह न समझो कि यह युद्ध तुम कर रहे हो, यह युद्ध तुम नहीं कर रहे हो। यहाँ कोई अपना नहीं है। इस संसार में यह नीत और अनीत के बीच का युद्ध है। और तब जब अपना विराट स्वरूप दिखा करके भगवान ने अर्जुन का मुंह दूर किया तब अर्जुन युद्ध के लिए तैयार। आप सब लोगों को पता चल गया कि व्यास जी के मन में चिंता थी कि कैसे क्या करें। एक बहुत व्याकुल भाव था उनके मन में। नारद जी ने जब उनसे कहा कि आप जो है भागवत महापुराण की रचना करिए तो उन्होंने कहा कि ये उम्र हो गई है इतनी और इस उम्र में अब तुम इतना बड़ा काम दे रहे हो, ये कैसे होगा। तो भगवान नारद ने उनको बताया कि देखिए आप कुछ नहीं करते, करते तो परमात्मा है और हम आप सिर्फ माध्यम हैं। नारद जी ने व्यास जी को अपने जन्म की कथा सुनाई और उन्होंने बताया कि मेरी मां एक दासी थी, आश्रम में दासी का काम करती थी और दास का पुत्र अगर नारायण का इतना बड़ा भक्त हो सकता है तो आपको क्या दिक्कत है। फिर नारद जी ने अपनी पूरी कथा सुनाई कि एक बार एक आश्रम में बहुत सारे ऋषि आए जो यात्रा पर समय समय पर निकलते हैं। उस समय मैं बहुत छोटा था और माँ मेरी आश्रम के बर्तन को धोती थी, गौओं का पालन करती थी, गौओं को चारा भूसा ये सब खिलाती थी और मैं ऋषियों के साथ मैं चला जाता था, उनकी सेवा करता था और उनके भोजन करने के पश्चात पत्तल पे जो अन्न बचा हुआ मिलता था मैं उसी को ग्रहण कर लेता था और उसी को मैं महाप्रसाद मान लेता था और उस महाप्रसाद ऋषियों के आश्रम से पा करके मेरी यह गति हो गई है। नारद जी ने कथा सुनाई कि जब उसके बाद मेरा जो दूसरा जन्म हुआ, पहले तो वो जब ऋषि चातुर्मास 4 महीने के बाद वो जाने लगे तो ऋषियों के पीछे पीछे नारद जी चल दिए।
ऋषियों ने कहा कि भाई शिष्य तो अच्छा है, चल सकता है, लेकिन ध्यान लगा करके जब ऋषियों ने देखा तो उन ऋषियों के साथ चलने के लिए नारद जी का प्रारब्ध पक्का नहीं था। तो उन्होंने कहा कि बेटा ऐसा है कि आप जो है अभी माँ आपकी अकेली है, पिता था नहीं, तो आप माता की सेवा करिए और उसके बाद भगवान का भजन करते रहिए और आपकी मुलाकात अब जब अगले जन्म में होगी तब हम आपको पुनः अपना शिष्य बनाएंगे। नारद जी को समझ में तो सब आ गया था लेकिन विधि के विधान को वो चैलेंज नहीं करना चाह रहे थे। और नारद जी ने माता की सेवा करने लगे। उनको ये मालूम था कि माँ मुझे शरीर मान रही है, उनकी तो किसी में ममता नहीं थी लेकिन माँ की ममता जरूर बेटे में थी। तो नारद जी को लगा कि माँ शरीर मान रही है मुझे, ठीक है, जब तक ये है तब तक तो हमें इसकी सेवा करनी है। एक दिन की घटना कि माँ गौ की सेवा में लगी हुई थी, गौ को चारा वगैरह डालने गए थे और पैर के नीचे काला सांप पड़ा, उसने दस लिया माँ को और माँ चल बसी। तो नारद जी को कोई शोक हुआ नहीं क्योंकि वो विधि का विधान पहले से जानते थे, वो तो पहले से छुटकारा पाना चाहते थे। और यह संयोग आकर के उनको पूरी तरह से मुक्त कर दिया। फिर नारद जी वहां से निकले और हरिद्वार की भूमि में गए और वहां कठोर साधना उन्होंने किया। और कठोर साधना करते करते जब उनको नारायण मिले तो नारायण ने उनसे कहा कि भाई इस एक साइकिल आपको कंप्लीट करनी है, इसके बाद फिर आप आ जाइएगा। और पुनः नारद जी ने घोर तपस्या किया और जब उसके बाद नारद जी का दोबारा जन्म हुआ तो नारद के रूप में उन्होंने जन्म पाया। और भगवान विष्णु, भगवान श्री हरि ने उन्हें स्वयं वीणा प्रदान किया भगवान के भागवत के गुणों का गान करने, इसलिए वो जहां भी जाते हैं हर समय वीणा साथ लिए रहते हैं और नारायण 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 ये हमेशा करते रहते। तो संतों की संगति का इतना बड़ा असर है, गौ की सेवा का इतना बड़ा असर है कि गौ की सेवा करते करते माताएं नारद जैसा पुत्र पा सकती हैं, ध्रुव जैसा पुत्र पा सकती हैं, प्रहलाद जैसा पुत्र पा सकती हैं। आगे के जब चरित्रों की व्याख्या होगी तो आपको ये बात समझ में आएगी कि गौ कहीं से हटी नहीं है। गौ की सेवा करने से ही अगर हम चरित्रवान पुत्र चाहते हैं तो हम गोकर्ण जैसा ऋषि पा सकते हैं जो सूर्य के रथ को रोक सकता है और धुंधकारी को ले आने के लिए तो भगवान के पार्षद आए थे, गोकर्ण को लेने के लिए भगवान स्वयं पधारे। तो पूरी भागवत वो धेनुमती के किनारे लिखी गई है, गोमती नदी के किनारे लिखी गई है, तो उसके पीछे गौ का महात्म्य बड़ा है। ये हम आप लोगों को बार बार समझाने की कोशिश करते हैं, ये छुपी हुई बातें हैं इसमें, लेकिन इसमें से निकाल करके आपको परोसना मेरा काम है, वो मैं आपको बीच बीच में निकाल निकाल करके बताता हूँ कि गौ को इग्नोर नहीं करना है, गौ की सेवा सदैव करनी है। और किसी सरकार वरकार के चक्कर में मत रहिए कि सरकार कुछ करेगी, कोई सरकार नहीं होती है, सरकार आप बनाते बिगाड़ते हैं। आपने बहुत दिन बाद किसी सरकार को बनाया तो लोगों को लग गया कि किसी एक वर्ग विशेष के न चाहने के बाद भी बहुत कुछ हो सकता है अगर यहाँ का 80% आदमी चाह जाए। तो इसलिए सब कुछ आपके हाथ में है, बस केवल जरूरत है तो कड़े संकल्प की जरूरत। आपको अपने मन में यह भाव ले आना है कि भगवान श्री कृष्ण क्या चाहते हैं। संतों की सेवा अगर आप करते रहे अच्छी तरीके से तो आपके बड़े से बड़े कष्ट कट जाते हैं। अगर आप
गौ का आश्रय ले लिए, अगर आप जो है भगवान का भगवान के प्रति आप प्रतिदिन स्नेह का वातावरण बनाए हुए हैं, तो आपके जीवन में आने वाली जितनी भी कठिनाइयां हैं, जितनी भी तकलीफें हैं, वो सब दूर हो जाती हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। स एव प्रथमं देवः कौमारं सर्गमास्थितः चचार दुष्करं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यं खंडितम्। भगवान के जो 24 अवतारों की बात हम लोग कर रहे हैं, उसमें सबसे पहला अवतार जो भगवान का हुआ है वह 4 ब्राह्मण बालकों के रूप में हुआ है, जिसमें सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। सनातन चैनल का जब भी नाम पड़ा होगा, किन परिस्थितियों में पड़ा होगा मुझे नहीं मालूम है, लेकिन सनातन शब्द की व्याख्या यहां भागवत महापुराण में मिल रही है कि जब भगवान के अवतार लेने की बारी आई तो सबसे पहले भगवान 4 ब्राह्मण कुमारों के रूप में अवतरित हुए, जिसमें सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के रूप में वो आए। और ये सनातन का मतलब है, हम लोगों का धर्म हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू तो हम लोगों की एक विधा है, एक परंपरा है, हम लोगों का धर्म है सनातन। सनातन का मतलब ये है कि जो न नूतन है और न ही पुरातन है, बल्कि सनातन है, लगातार चला आ रहा है, कभी जिसका क्षय नहीं हुआ है वह है सनातन। जो न नूतन है न पुरातन है, बल्कि वह सदैव चलने वाला है सनातन। बाकी जितने धर्म हैं सबकी जो इतिहास भूगोल है वो 2000 भैया फोन बात करो 2000-2500 1600-1700 साल इस तरह का लोगों का इतिहास भूगोल है, लेकिन अपना जो सनातन धर्म है यह सदैव चलने वाला है, सृष्टि के आदि से लेकर के अंत तक चलने वाला है और सदैव चलता रहता है। धन्यम ही भारतम वर्षम धन्या भारत संस्कृति भारतीया जना धन्या धन्या अस्माकं परंपरा। हमारा जो ये भारत वर्ष है ये संस्कृतियों का देश है, यहाँ मृत्यु को भी उत्सव की तरह से मनाया जाता है। अगर किसी की उम्र पूर्ण हो गई है तो आप देखिए कि गाजे बाजे के साथ हम उसको विदा करते हैं, और किसी धर्म में मृत्यु को उत्सव की तरह से नहीं मनाया जाता। केवल सनातन धर्म ऐसा है जहां कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जब बताते हैं कि पृथ्वी में संसार में जो भी चीजें हैं उसमें किसमें मैं क्या हूं, तो उसमें कहते हैं कि काल जो है, जिसको आप लोग काल कहते हैं, उसमें जो मृत्यु है वो मैं। तो हमारे यहां मृत्यु को भी उत्सव की तरह से मनाया जाता है, और रोज हम लोग कहें चाहे ना कहें, लेकिन मृत्यु के समय यह जरूर कहते हैं कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। एक बार की घटना है, देवी पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि भाई देखिए आप ठीक ठाक कपड़ा लगता क्यों नहीं पहन के रहते हैं, ये ठीक नहीं है, हमारी बहुत बेइज्जती होती है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई बात नहीं है, लेकिन आप ये जो हुलिया बना रखे हैं ये हमें पसंद नहीं है, हमारी भी सोसाइटी है, हम भी 4 लोगों में उठते बैठते हैं, जब देखो तब आप भभूति जमाए रहते हैं, ये भभूति आपको इतनी प्रिय क्यों है कि आप इसे सदैव अपने शरीर में लगा के रखते हैं। तो भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया कि देखो इसको साधारण भभूति नहीं मानना,
यह भभूति उस समय की है जब मृत्यु प्राप्त व्यक्ति अंतिम समय में श्मशान पे जाता है, तो वहां भी प्रभु श्री राम का कीर्तन करता रहता है और वहां कहता है कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो जो मेरे प्रभु का गुणगान शरीर छोड़ते छोड़ते और शरीर को पंच तत्व में विलीन होते होते गाया करता है, ऐसे भक्त को मैं कभी नहीं छोड़ सकता हूँ और इसलिए मैं इस भगवती को अपने शरीर पर धारण करता हूँ। जय गुरु शंकर भगवान की, हर हर महादेव। तो ये स्थिति है हमारे यहाँ हमारी संस्कृति की। कितना दृढ़ विश्वास है, डायरेक्ट शिव से नहीं, नंदी के कान में कह दो पहुंचा देंगे, लेकिन अगर दरवाजे पर साक्षात नंदी स्वरूप बैल आ जाए तो मार के भगा देते हैं दो लाठी। तो भाई डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। प्रेम करना होगा तो हृदय से करना पड़ेगा। साक्षात स्वरूप जो है धर्म का, भगवान शिव को वृषभ ध्वजाय कहा जाता है। धर्म का साक्षात स्वरूप है वृष, बैल जो है वो धर्म का स्वरूप है। भगवान धर्म के स्वरूप को भगवान शिव धारण करते हैं और इसलिए नंदी से हम प्रार्थना करते हैं कि ये भगवान शिव से कह दीजिएगा। तो हमें क्या करना है, गौ माता के चरणों में जाना है। गौ से ही तो नंदी है, माँ नहीं होगी तो गोपाल कहाँ होगा, गौ नहीं होगी तो गोपाल कहाँ होगा। माँ ही हमारे अस्तित्व का कारण है। सुखदेव मुनि जो निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, जिनको भगवान के सगुण लीला से कोई मतलब नहीं था। पहले तो वो ऐसी कथा आती है कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के स्नेह बस सुख के रूप में वो उनके ही महल में रहा करते थे। जब एक बार राधा रानी ने कहा कि भैया अब आप जाइए, थोड़ा लोगों के लिए भी कुछ काम करिए कि यहीं बैठे रहेंगे, तो सुखदेव ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा मां, बाहर मैं जैसे ही जाऊंगा वैसे ही तेरी माया जो है ये हमको लपेट लेगी। और माया जहां हमें लपेटी और तहां फिर हमने गड़बड़ किया, और गड़बड़ किया तो तुम गिरा दोगी सीधे। तब बोलोगे कि हम तो बिजली के करंट की तरह से हैं, हम तो कुछ करते नहीं हैं, आप तो अपना कर्म का फल भोग रहे हो, तो हमको यही रहने दो, मैं नहीं जाऊंगा। माँ बेटे में बहुत तूतू मैं हो गई। अंत में राधा रानी को यह कहना पड़ा कि जाओ, तुम्हें माया नहीं ग्रसेगी, तुमको माया नहीं छुएगी। तब सुखदेव जी वहां से निकले तो आए तो यहां भोलेनाथ जो है माता पार्वती को कथा सुना रहे थे। माता पार्वती को नींद आ गई, जैसे ऋतु जी के पापा जी को नींद आ रही है, और ऋतु जी को भी अभी बहुत अच्छी नींद आ रही थी हैं? तो इनको माता पार्वती को नींद आ गई। जब नींद आ गई तो सुखदेव भगवान बैठ करके कथा में एकदम आनंदित हो रहे थे, और जब भगवान शिव का ध्यान भंग हुआ तो देखे तो देवी सो रही हैं और ये सुखदेव यहां क्या कर रहे हैं। और नितांत जो प्राइवेट रूम होता है उसी में सुना रहे थे कथा। बोले तुम यहां कैसे आ गए, तुमने तो बहुत बड़ा पाप किया है, यहां एकाकी क्षण में आ गए, तो दौड़ा लिए, अब मरता क्या न करता, क्यों 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 करते भगे सुखदेव जी। अब जब सुखदेव जी वहां से भागे तो उनको कहीं जगह नहीं मिली, तो आ गए व्यास जी के आश्रम में। और व्यास जी के आश्रम में जब आ गए तो वो धीरे से क्या किए, बहुत लव रूप बना करके व्यास जी की पत्नी के घर में चले गए। और वहां गए तो वहां भी ध्यान मग्न हो गए, निकलने का नाम ही ना ले। भाई घर में गए तो आना है ना बाहर, वो जो है वो वहां गए तो भूल गए।
राधे 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 राधे। 12 वर्ष बीत गया। बहुत दिन बाद गए अगर तो वह भी जो है साधु हो जाए तो बहुत कष्ट की बात है। इस माया के संसार में यह असह्य पीड़ा है। तब जब नारद जी मिले व्यास जी को और उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करने के लिए व्यास जी को मनाया, उनको बताया और परमात्मा की लीला का गुणगान करने के लिए कहा, तब व्यास जी ने इस श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से जब कृष्ण की राधा रानी की लीला का वर्णन किया और उसे अपने शिष्य के माध्यम से सुखदेव भगवान के कानों में पहुंचाया, तो इस भागवत महापुराण की जो भागवत भगवान की लीला है उससे प्रेरित होकर के सुखदेव महाराज फिर वापस चले। व्यास जी मनाने गए तो नहीं आए, लेकिन भगवान की लीला की, भगवान के लीला का गुणगान सुन करके वह पुनः वापस चले। और निर्गुण ब्रह्म का उपासक सुखदेव भगवान दोबारा आए और सगुण ब्रह्म की लीला का वर्णन स्वयं व्यास जी के मुंह से सुन करके और उसके बाद सगुण ब्रह्म की उपासना करना प्रारंभ किया। ये श्रीमद् भागवत महापुराण इस तरह का हमारा हमारे लिए ये भगवान का साक्षात विग्रह है, यह पुस्तक नहीं है। इसकी अश्वत्थामा के मान मर्दन की कथा सुनाएंगे बहुत बढ़िया भोला जी ने और इनके साथियों ने आपको भजन सुनाया। इसके बाद जितेंद्र जी से हम एक छोटी सी भजन चाहेंगे कि वो सुनाएं, क्योंकि ये हम लोगों के लिए परम सौभाग्य की बात है। ये लोग पहुंचते नहीं है, इनका बहुत ही अतिशय स्नेह है कि यहाँ आए हैं, तो मैं इनको थोड़ा सा समय भी दे रहा हूँ ताकि ये मेंटली प्रिपेयर हो जाए। बहुत अच्छे गायक हैं, क्लासिकल सिंगर हैं जितेंद्र तिवारी जी। और पहले हम अश्वत्थामा चरित्र जरा सा अश्वत्थामा का मान मर्दन सुना दें, तब तक आप थोड़ा सा मानसिक रूप से तैयार नहीं, वो चलेगा नहीं यहाँ पर इस दरबार में आके कोई चूक नहीं है। महाभारत का युद्ध हो गया था और पांच पांडव बचे थे, ऐसा जान करके दुर्योधन का मित्र अश्वत्थामा मन में यह ठान करके कि अब हम अश्वत्थामा को, अब हम पांचों पांडवों को मार देंगे, और चुपके से वो गया और पांडव समझ करके द्रौपदी के पांच सोए हुए बच्चों को मार दिया। इतना घृणित काम किया और जब यह पता लगा पांडवों को तो चारों तरफ कोलाहल मच गया। भगवान श्री कृष्ण के क्रोध की कोई सीमा नहीं थी और अर्जुन ने द्रौपदी के सामने प्रण किया कि मैं इस अश्वत्थामा गर्दन काट करके मैं जाऊंगा और उसके सिर पर सवार होकर के तुम्हें बच्चों का दर्पण दूंगा। भगवान कृष्ण के साथ अर्जुन चल दिए और अश्वत्थामा के साथ अर्जुन जब पहुंचे तो एक बार उन्हें पुनः ज्ञान हुआ। भगवान श्री कृष्ण साथ साथ खड़े हैं और वो अर्जुन की परीक्षा ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अर्जुन मारो, इसने बहुत जघन्य अपराध किया है, इसने ऐसा अपराध किया है सोते हुए
निरीह बालकों की हत्या किया है, इसको छोड़ा नहीं जा सकता, इसका अपराध कहीं से किसी भी तरह से क्षम्य नहीं है। लेकिन अर्जुन का ज्ञान उस समय खुला और उनको समझ में आया कि अश्वत्थामा तो गुरु द्रोण का बेटा है और ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण की हत्या अगर हम कर देंगे तो ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा, मेरे पांचों बच्चे मार दिए गए हैं तो कोई बात नहीं, हम पांच पांडव तो अभी हैं। भगवान कृष्ण साथ खड़े हैं, जब भगवान किसी काम के लिए कहें तो हम जैसे आप जैसे साधारण जीव के लिए तो एक बहुत बड़ा सहारा हो जाएगा कि क्या उसने मेरी ही बालकों को मारा तो उसमें अपराध बनता है। सामान्य जीव यही कहेगा कि नहीं बनता है। और साथ साथ जब स्वयं भगवान कृष्ण आकर के कहें कि नहीं मारो इसको, छोड़ा नहीं जा सकता, तो हम आप तो करते ही नहीं रुकेंगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की परीक्षा ले रहे थे, उसके धर्म की परीक्षा ले रहे थे। अर्जुन का ज्ञान उस समय खुला और उन्होंने कहा कि नहीं, यह गुरु का पुत्र है, यह ब्राह्मण का पुत्र है, इसको मारा नहीं जा सकता। और अंत में अर्जुन बांध करके उसको ले आए और द्रौपदी के सामने खड़ा किया। माताएं बहुत ही करुणामयी होती हैं, उनका हृदय वात्सल्य से सदैव भरा रहता है, बड़े से बड़े अपराध को क्षमा करने की उनके अंदर क्षमता होती है। आप देखिए जरा सी आहट भर हो जाए कि कहीं लड़ाई झगड़ा हो गया है, बच्चे पति या कोई भी ऐसा घर का सदस्य हो जिसका उनको भान हो जाए, आभास हो जाए कि बाहर जाएगा तो लड़ाई होगी और लड़ाई का परिणाम ठीक नहीं होगा, तो उसको रोकने के लिए हर प्रयास करती हैं, हर संभव प्रयास करती हैं और कहती हैं कि मेरी कसम है जाना नहीं बाहर, तुरंत अपनी कसम दे देती, मेरी कसम अगर तुम मुझे जरा भी मानते हो तो जाना नहीं बाहर। और अंत में उनके इस वात्सल्य भाव के कारण उनको यह डर नहीं रहता है, उनको ये इस बात की खुशी नहीं रहती है कि हमारे घर का बच्चा हमारा आदमी जाकर के किसी अन्य को मारेगा, मेरे अपने को कितना नुकसान होगा इस बात का सदैव डर रहता है और इसी बात की चिंता में वो रोक लेती है। द्रौपदी के सामने जब अर्जुन अश्वत्थामा को लेकर के आए तो द्रौपदी का हृदय और ही वात्सल्य और करुणा से भरा हुआ था। द्रौपदी जी ने कहा कि अरे ये तो गुरु का पुत्र है, एक तो ब्राह्मण दूसरे गुरु का पुत्र, और अर्जुन तुमने आज तक जो कुछ भी प्राप्त किया है उसी गुरु की वजह से प्राप्त किया है, इसलिए इसकी हत्या नहीं, और कोई बात नहीं है, मेरे पांच पुत्र चले गए तो चले गए, हमारे साथ पांच पांडव तो अभी भी हैं, ऐसा कह करके द्रौपदी ने उसको क्षमा कर दिया। शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण चाहे जितना बड़ा अपराध कर दे लेकिन उसका जो दंड है वह कभी भी मृत्यु दंड नहीं हो सकता, उसकी हत्या नहीं की जा सकती, उसको मारा नहीं जा सकता। बहुत बड़ा विषय हो जाएगा, आप सब लोग जानते हैं, बार बार यही कहा जा रहा है कि नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय, केवल गौ ब्राह्मण संत इन सब के हित के लिए ही, इन पर जब आफत आती है तब भगवान फाट पड़ते हैं और तब तब धर प्रभु मनुष्य शरीरा खुद ही स्वयं चले आते। और जब द्रौपदी ने
अर्जुन को यह समझाया तो अर्जुन के समझ में आ गया और भगवान कृष्ण अंदर अंदर मुस्कुराए कि देखिए धर्म की स्थापना इस तरह से होनी चाहिए कि विपत्ति में भी धर्म को छोड़ने की स्थिति न बने। पुत्रों की हत्या हो गई फिर भी धर्म के मार्ग पर चलते हुए किस तरह से ब्राह्मण का ध्यान द्रौपदी को है और किस तरह से ब्राह्मण का ध्यान अर्जुन को है और गुरु पुत्र है। फिर बात हुई कि अर्जुन के प्रतिज्ञा का क्या होगा, तो ब्राह्मण के मस्तिष्क में एक मणि होती है, यहां भी जो बीज हम लोग तिलक करते हैं और उसको आप के ऊपर निर्भर करता है कि आप ब्राह्मणत्व में भरोसा करते हैं कि नहीं करते हैं। ज्यादातर पंडित जी लोग अब नहीं करते हैं, कहते हैं बहुत दिन हो गया लहसुन प्याज छोड़े, बहुत दिन हो गया इधर उधर थोड़ा हम भी देखे तो है क्या, तो आज सब ढाल में हो गया। लेकिन अगर कोई जागृत करना चाहता है, जागृत करता है तो संध्या गायत्री करे, त्रिकाल संध्या करे, भगवान का भजन करे, पुराणों का पारायण करे तो वह शक्ति उसको जागृत हो। अश्वत्थामा गुरु पुत्र था, ब्राह्मण था, उसके अंदर वह क्लेश था और उसने अर्जुन ने कहा कि इसका यह तेज ही नष्ट कर देते हैं, इससे प्रतिज्ञा भी रह जाएगी और काम भी बन जाएगा ब्राह्मण की हत्या। भगवान के इशारे पर अर्जुन ने ऐसा बाण संधान करके चलाया कि उसकी जो मुकुट के साथ मणि थी ब्रह्म तेज की वह उतर गई और अश्वत्थामा जिंदा रह गया और उसको उठा करके द्रौपदी के चरणों में पटक दिया। इस तरह से अश्वत्थामा का मान मर्दन भी हो गया, अश्वत्थामा का अपमान भी हो गया और अर्जुन की प्रतिज्ञा भी रह गई, धर्म का पालन भी हो गया, ब्राह्मण की हत्या भी नहीं हुई और भगवान कृष्ण के रहते हुए धर्म का पालन नहीं होगा, ऐसा कैसे होगा? भगवान कृष्ण समय समय पर हमसे आपसे परीक्षा लेते रहते हैं, बहुत बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि हमें लगता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर हम बुद्धि और विवेक का प्रयोग करें तो थोड़ी देर में हमें समझ में आता है। आजकल बड़ी बहुत आसानी से एक श्लोक लोगों को मिल गया है, दरअसल पांडित्य को लेकर के बड़ी रस्सा कसली है। पंडित जी लोगों को कोई पूजना चाहता नहीं है, कहता है जिंदगी भर तुम ही पूजाओगे, ऐसा कुछ नहीं। लोग कहते हैं कि जन्मना जायते शूद्र, जन्म से तो सभी शूद्र हैं। एक श्लोक है शास्त्र में जिसको लोगों ने पकड़ लिया है कि जन्मना जायते शूद्र और कर्म से भी आदमी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और अन्य जैसा कर्म करता है वैसा होता है। अब बाकी की चीजों से मतलब नहीं है, हमारे हित की क्या चीज है हम उसको जानते हैं, हमने उसको पकड़ लिया। लेकिन यथार्थ यह है कि ब्राह्मण कुल में ब्राह्मणी के गर्भ से शुद्ध ब्राह्मण के द्वारा जो स्थापित गर्भ है उससे पैदा हुआ बालक ही ब्राह्मण है। पंडित कोई भी हो सकता है, आप अपनी विधा के पांडित्य में महारथी हो सकते हैं। स्वयं एक उदाहरण ऐसा है जब विश्वामित्र जी ब्रह्म तेज के लिए उन्होंने बहुत तपस्या किया और ब्रह्म तेज को प्राप्त किया, एक आध उदाहरण को छोड़कर के बाकी कोई ऐसा शास्त्र में कहीं उदाहरण नहीं मिलता। इसी श्लोक को लेकर के एक जगह शास्त्रार्थ चल रहा था और शास्त्रार्थ में बात होने लगी। पंडित जी ने कहा कि भाई देखो ऐसा है कि हम लोग शास्त्रार्थ कर रहे हैं, जो पराजित होगा वह एक हाथी
देगा। बोले ठीक है। जो ज्यादा विद्वान पंडित जी थे वो जान बूझ के थोड़ी दूर तक चले, उसके बाद पराजित हो गए। तो दूसरे पंडित जी ने कहा ले आओ हाथी, ले आओ। उन्होंने कह दे रहे हैं, थोड़ा इंतजार करो। बोले नहीं, अब हार गए तो जल्दी दो। पंडित जी ने जेब से निकाला एक बच्चों की खेलने वाली हाथी और उन्होंने कहा लो। बोले क्या बात बकवास कर रहे हो, हार गए तो ये हाथी दे रहे हो। बोले हाथी की ही तो बात हुई थी तो हाथी दे रहे। उठाया हाथी और शास्त्रार्थ सुन रहे जितने लोग थे उनसे कह रही है क्या है, लोगों का हाथी गले हाथी, जब हाथी की बात हुई तो हाथी दे रहे। बोले अपने प्रश्नों के माध्यम से तुम स्वयं हार गए, जन्मना जायते शूद्र नहीं। ब्राह्मण वो है जो शुद्ध ब्राह्मणी के गर्भ से, ब्राह्मण के संसर्ग से जो जीव पैदा हुआ है वो ब्राह्मण है। और उसके लिए कहा गया है कि पूजिए विश्व सकल गुणहीना और शूद्र न पूजे पूजिए विश्व सकल गुणहीना और शूद्र। व्याख्याकार उसकी गलत व्याख्या कर सकते हैं। इसका मतलब कहीं यह नहीं कहा गया है कि किसी को नीचा करना है या किसी को ऊंचा करना है। हम जब वर्ण व्यवस्था में बढ़ते हैं, जब हम अपने कर्मों के आधार पर अलग अलग वर्णों में जन्म लेते हैं, भगवान जिस वर्ण व्यवस्था की व्याख्या गीता में करते हैं, तो भगवान की भक्ति के लिए कहीं किसी को रोक नहीं। लेकिन ब्राह्मण बनने की बहुत हड़बड़ी है, ऐसा करने के लिए रोक है। आप पूजा करिए, गीता प्रेस का इतना बड़ा उपकार है कि अगर गीता प्रेस नहीं होता तो आज शायद धर्म का इतना प्रचार नहीं होता। 250 रुपए की श्रीमद् भागवत महापुराण पुस्तक का एक खंड, 500 रुपए की संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण दुकान पर मिल रही है। अब वह जमाना चला गया जब ये पंडित जी की अकेले तनहा पोथी हुआ करती। तो धर्म के प्रचार में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आपको पढ़ने पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दान लेने की बात जब आएगी तब आप किसको देंगे दान? आजकल व्यास पीठ पर बैठने की बड़ी मारामारी है, देवियां तमाम आ रही हैं। अब उनको बताया जाए कि सबरी माता ने भगवान से कैसे कहा कि मैं एक तो अधम नारी, एक तो मैं अधम जाति की और दूसरे नारी, जो अशुद्धता का नाम ही नारी है, उनको व्यास पीठ पे बैठने की बड़ी जल्दी होगी। जब तक वो यहां नहीं बैठेंगी तब तक पूजा नहीं होगी। रही सही कसर कोई अगर इसमें होगा तो माइंड नहीं करेगा, गायत्री पीठ वालों ने कर दिया। शर्मा आंटी वर्मा आंटी लेके सब यज्ञ करा रही है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो कलिकाल में धर्म का यही स्वरूप होना है, यह हमारी पुस्तकें लिख रही हैं, हमारे धर्म ग्रंथ लिख रहे हैं। किसी का अपमान करना या किसी को बुरा बताना यहाँ से मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन हमें अपने आंख कान खोल करके रखने हैं कि जो कर्म हम कर रहे हैं उससे हमें क्या फायदा। जिस स्त्री को अग्नि में आहुत देने का अधिकार हमारा शास्त्र नहीं दे रहा है, वही यज्ञाचारी कैसे हो सकती है? वही कैसे यज्ञ का प्रतिपादन कर सकती है? वही कैसे यज्ञ करा सकती है? यह बहुत बड़ा सवाल है। अब इसलिए नहीं यज्ञ में आहुति देने का आपको अधिकार से वंचित किया गया है कि आपके अंदर कोई कमी है। आप स्वयं अग्नि की स्वरूपा है, अग्नि स्त्रीलिंग है। जब पत्नी साथ में बैठती है यज्ञ में तो वह स्वयं के भक्षण के लिए आहुति नहीं देती है, पति ही के साथ जब ग्रंथि बंधन हो जाता है तो जब आप अर्धांगिनी हैं और पति दे रहा है तो आपको बैठ करके उस समय केवल भगवान का ध्यान रखना है, राधे राधे करना है, कोई मान आपका कम नहीं हो जाएगा। लेकिन इतनी छीना झपटी है कि मैं जब तक चार आहुति हम नहीं डालेंगे तब तक हम कमजोर, ये तो भाई नारी शक्ति का बहुत बड़ा हास है। शास्त्रोक्त आचरण करिए, मर्यादा में रहिए,
मर्यादा ही आप लोगों का सबका आभूषण है। आप देखिए कि जिस चीज के लिए आप दौड़ रही हैं वो चीज अपने आप प्राप्त हो जाएगी। हमारे यहाँ यत्र नारियस पूजयन्ते रमणन्ति तत्र देवता, आपकी पूजा तो हमें करने के लिए पहले से कहा गया, यत्र नारियस पूजयन्ते रमणन्ति तत्र देवता। हम तो आपकी सदैव पूजा करते हैं, आप सब लोग चौकी निकालते हैं, आप सब लोग जागरण करते हैं, देवी का आवाहन करते हैं, नौ नौ दिन व्रत रहता है। भगवान के नाम पर कोई नौ दिन का व्रत है क्या? लेकिन साल में दो बार और आगे बढ़ा सके तो तीन बार, तीसरी बार का ज्ञान नहीं है, वो नवरात्रि आती है कार्तिक में जब गोवर्धन पूजा करते हैं। जीव कितना चालाक है, हलवा पूरी खाने वाली पूजा तो कर लेता है लेकिन नौ दिन का व्रत नहीं करता है। क्यों? क्योंकि गोवर्धन पूजा में छप्पन भोग लगता है, कहता आज गोवर्धन है। लेकिन गोवर्धन पूजा गोपाष्टमी तो होती है, गोपाष्टमी उसके पहले एक दिन पड़ती है दीपावली से, तो उस समय हमें गौ नवरात्रि का ध्यान रखना चाहिए। और जिन माताओं को पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं है, अगर वो गौ नवरात्रि का व्रत रखें और पयोव्रती हो जाएं, गौ के दूध लें और केवल फलाहार पर करें, एक वर्ष तक अगर ऐसा काम करती हैं, तो उनको निश्चित तौर पर पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। शास्त्रोक्त आचरण करिए, शास्त्र के साथ रहिए, आप देखिए कि कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हमारा अन्न ठीक नहीं है, जब शरीर में गोद्रव्य नहीं जा रहा है, जब शरीर में शुद्ध आहार नहीं जा रहा है, सही भोजन नहीं जा रहा है, तो हमारी मानसिकता बदल जा रही है, क्योंकि जैसा खाएंगे अन्न वैसा रहेगा मन। अब देखिए, हम लोग बात कर रहे थे कि जब भी किसी अपात्र व्यक्ति को क्षमा कर दिया जाता है तो वह जो है उस क्षमा का पात्र नहीं होता है, तो उसको अच्छा नहीं लगता है। अर्जुन के कहने के बाद भी जब भगवान के कहने के बाद भी जब अर्जुन ने इसकी हत्या नहीं की, मृत्युदंड नहीं दिया, फिर भी उसके मन में एक अपमान का बदला, ब्राह्मण को क्या है, बहुत जल्दी जो है उसको तौहीन नजर आ जाती है, आप कुछ मत दीजिए, प्रेम से बोलिए महाराज जी प्रणाम, अंदर से चाहे जो भाव आपके हो, लेकिन सामने जो है आप अगर प्रेम पूर्वक बोल रहे तो कहता है खुश रहिए आनंद रहिए, और एक बार जब आशीर्वाद दे देता है तो फिर तो फंस गया, तो जाएगा। लेकिन अश्वत्थामा के साथ जो कुछ भी हुआ उसको मृत्युदंड मिल जाता तो शायद उसे दिक्कत नहीं थी, लेकिन जो उसका मान मर्दन हुआ, जो उसकी मणि उतारी गई, उसको लेकर के वो बड़ा चिंतित था। और उसने प्रण किया कि अभी तक तो पांचों पांडवों की हत्या की हमने योजना बनाई थी, हम उसमें भले कामयाब नहीं हुए, अब ऐसा हम करेंगे कि इनको कोई पिंडा पानी देने वाला नहीं बचेगा। इधर भगवान श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर को गंगा जी में ले जाकर के अपने पितरों को, जो लोग भी इस युद्ध में मारे गए थे, उनको जलांजलि तिलांजलि और श्राद्ध आदि करवा रहे थे। युधिष्ठिर को बहुत दुख था, वो सारे के सारे लोग भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव से, जो लोग जितने लोग भी मारे गए थे सब निकल करके सामने आ गए थे और सबने आकर के अपनी जलांजलि दिया। फिर भगवान ने देखा कि युधिष्ठिर बहुत दुखी हैं, भगवान ने उस समय युधिष्ठिर को ज्ञान दिया और बताया कि यह सृष्टि का नियम है, यह मृत्यु लोक है, यहाँ जो आया है उसको जाना है, और कर्म के
अनुसार जाना है, इसलिए आपका शोक करना गलत है। ये सब समझा करके भगवान कृष्ण द्वारिका जाने की तैयारी कर रहे थे कि भाई अब मेरा काम यहां पूरा हो गया। और इतने में ही दौड़ती हुई उत्तरा आती है और नारायण को आवाज लगाती है, बचाओ 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 बचाओ। नारायण को समझने में तो कोई समय लगा नहीं, फिर भी लोकाचार में उन्होंने कहा क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। और जब तक वह कुछ बताती तब तक भगवान देख रहे हैं कि ब्रह्मास्त्र जो है वो उत्तरा का पीछा किए हुए है। भगवान ने बिना समय गवाए उत्तरा के गर्भ में प्रवेश ले लिया और भगवान शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषण जैसे चक्र धारण करते हैं उसी तरह से गदा भी धारण करते हैं और उसी गदा के दम पर उन्होंने ब्रह्मास्त्र को रोक दिया। ब्रह्मास्त्र को जब भगवान ने वहां रोक लिया तब जाकर के परीक्षित जी पुनः गर्भ में स्थापित हो पाए, अन्यथा ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से वो समाप्त हो गए। भगवान ने फिर से उत्तरा के गर्भ में परीक्षित स्थापित किया और बाहर आए। तो परीक्षित भगवान परीक्षित जी इतने सौभाग्यशाली हैं कि जन्म से पहले ही भगवान का दर्शन उनको हो गया। बाद में उत्तरा के गर्भ की रक्षा करके भगवान जब आए और यहां से फिर चलने की बात किए, सबसे विदा ले लिए, तब बुआ कुंती ने कहा कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। भगवान ने कहा बुआ अब तो कुछ ऐसा बाकी नहीं है, जो भी कुछ था वो सब हमने वापस करा दिया है। इस संसार में अब पांडव जितनी भी धरती है उसके अधिपति हैं, अब ऐसा क्या है जो तुम्हें नहीं मिला है। कुंती ने कहा कि कृष्ण ऐसा सुख हमें नहीं चाहिए जिस सुख के पाने से कृष्ण का विस्मरण हो जाए और तुम नारायण हो। भगवान ने कहा कि बुआ मैं तुम तो मेरी बुआ हो, मैं तो तेरा भतीजा हूं, लेकिन अगर तुम कह रही हो कि मैं नारायण हूं तो मैं नारायण हूं। और भगवान ने कुंती की बात का समर्थन करते हुए कहा कि बताओ बुआ अब क्या ऐसा रह गया है जो तुम्हें चाहिए। कुंती ने कहा कि हमें ये सब राजपाट नहीं चाहिए, हमें विपत्ति चाहिए, हमें दुख चाहिए, हमें वह दुख चाहिए जिसमें तुम्हारा सदैव स्मरण होता है। क्योंकि संपत्ति में कोई भगवान को याद नहीं करता है, इसलिए हमें ऐसी सुख संपदा नहीं चाहिए जिसके हम कृष्ण को भूल जाए। और
और हमें विपत्ति चाहिए, हमें विपत्ति रूपी संपत्ति चाहिए। आप देखिए कि हमको आपको भगवान मिले तो नहीं है, लेकिन हम जब भी उनके श्री विग्रह के सामने जाते हैं तो लंबी लिस्ट पकड़ा देते हैं, गाड़ी घोड़ा बंगला से लेकर के जो भी कुछ ध्यान में आता है सब पकड़ा देते हैं। लेकिन माता कुंती ने कहा कि नहीं, हमें दुख चाहिए और उस दुख से हम तुम्हें सदैव याद करते रहेंगे। ऐसा दुख, दुख को कभी भी खराब नहीं मानना चाहिए। अगर आप देखें कि इस जीवन का हेतु क्या है, तो इस जीवन का एक ही एकमात्र हेतु है कि परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति। अज्ञानता में हम चाहे जो भी भौतिक सुख साधन मांगते हो परमात्मा से, लेकिन जब कभी भी अल्टीमेटली बात ये आती है तो हम चाहते हैं कि भगवान आपका स्नेह मिल जाए, आपकी भक्ति मिल जाए। तो हमें सुख में भक्ति नहीं मिलती, सुख में सुमिरन, दुख में सुमिरन, सब करे सुख में करे न कोई। सुख जब आता है तब भगवान का स्मरण नहीं, क्योंकि तब माया का संसार होता है और माया के संसार की अपनी खासियत है कि हम इस तरह से व्यस्त हो जाते हैं माया में कि हमें भगवान भूल जाते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस में, ये जो विपत्ति है इसको कभी भी आप लोग, कष्ट को कभी भी आप लोग दुख नहीं समझिए, इसको परमात्मा की कृपा मानिए। और परमात्मा की कृपा का मतलब यह है कि जो भौतिक चीजें हैं, जो नश्वर चीजें हैं, हम अनजाने में उनकी कामना करते हैं। लेकिन आप देखिए कि क्या इस शरीर का कई क्षण निश्चित है, कब चलते चलते कहां चलते चलते यह रुक जाए। कल हमने आप लोगों को बताया कि भगवान सामने खड़े हैं बारी के और कह रहे हैं कि हम तुम्हें जीवन दान देते हैं, तुम जितने दिन चाहो अजर अमर हो जाओ। बाली क्या कहता है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुख आवत नाही। हे परमात्मा, हे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, अंतिम समय में भगवान का नाम जिह्वा पर आए, मन में आए, इसके लिए तो लोग जन्म जन्मांतर कोशिश करते रहते हैं लेकिन नहीं होता है। तो परमात्मा की प्राप्ति ही इस जीवन का उद्देश्य होना चाहिए और हमारे अंदर समर्पण भाव होना चाहिए। हमको सदैव ये समझना चाहिए कि यह जीवन परमात्मा के अधीन है, एक क्षण भी इसका निश्चित नहीं है। आज हम सब लोग इस माहौल में यहाँ बैठे हुए हैं, कल का भरोसा किसी को नहीं है कि इसमें सारे के सारे लोग इसी स्थिति में रहेंगे, यहाँ आएंगे कि नहीं आएंगे, कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। तो जीवन का हर दिन, जीवन का हर दिन हर क्षण अंतिम क्षण है, यह जो है आप ध्यान देते हुए परमात्मा के प्रति अगर आप समर्पित भाव से रह रहे हैं तो आप समझिए कि आपका जीवन ठीक ढंग से चल जाएगा। कुंती माता ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हमें ऐसी संपत्ति को आग लगे, पाथर पर है, हमें ऐसी संपत्ति नहीं चाहिए, हमको चाहिए आपका सानिध्य। क्यों? क्योंकि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। हम तो जो है आपका स्मरण चाहते हैं, आपका सानिध्य चाहते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में हमें आप चाहिए। और भगवान ने अभय भक्ति का वरदान कुंती बुआ को दिया। बाद में और भी प्रसंग है, लेकिन अब आरती के बाद आज की कथा यहीं विश्राम करेंगे। कल जो बताएंगे सुभद्रा और जो अन्य उनकी भगवान की बहनें हैं, अर्जुन हैं, भीम हैं, सब लोगों ने भगवान से क्या क्या मांगा है। सब ने अभय भक्ति ही मांगा है, किसी ने कुछ नहीं मांगा कि नहीं हमें राज चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए। क्यों? क्योंकि कौरवों का सामने क्या हुआ था ये सभी लोगों ने
देखा था, तो क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, कब चली जाए, कब यहाँ से टिकट पक्का हो जाए, यह हमें आपको पता नहीं है।